तो इस बीच हम मौजूद है कनॉट प्लेस में ये दिखाने के लिए कि भीड़ कितनी है एटीएम और बैंक के बाहर। लेकिन खबर ये आ रही है कि बीते दिन राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था और आज कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट हैक कर लिया गया है। बीते दिन भी जबरदस्त परेशानी का सबब हुआ था क्योंकि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल हैक हो गया था, जिसके बाद उससे ट्वीट किए जा रहे थे। अब कांग्रेस का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा गुस्सा है। आईएनसी इंडिया के नाम से ये ट्विटर हैंडल है और क्यों ना इसी बीच हम लोग देखें कि क्या यहाँ से कुछ आईएनसी कांग्रेस के नाम से ये देखिए, ये वो ट्विटर हैंडल है। अंकुर हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे, 1.3 मिलियन जिसके फॉलोअर्स हैं, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ इंडियाज मोस्ट वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टी जिस पे लिखा हुआ है। और ये देखिए, यही ट्विटर अकाउंट हैक हो जाने की खबर आ रही है और जिस तरह के इस पे ट्वीट्स आ रहे हैं उसकी भाषा भी हम आपको नहीं दिखा सकते और दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब जाहिर तौर पर जिस तरह की भाषा जो भी हैकर है वो इस्तेमाल कर रहा है वो बेहद ही आपत्तिजनक है। और इस तरह के ट्वीट्स बार बार किए जा रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचार से लेकर कांग्रेस पार्टी पर ही आक्रमण करने के लिए अब शब्दों का, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल वो हैकर कर रहा है और एक के बाद एक ऐसे वो ट्वीट कर रहा है इस हैंडल से। तो ये आईएनसी इंडिया का वो हैंडल है जो हमने आपको दिखाया, यही वो हैंडल है जिसे हैक कर लिया गया है। बीते दिन अगर आपको याद हो राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल हैक हो गया था, कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये रोया कि आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, साइबर क्राइम को आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ रही है। मौसमी, आईएनसी का ट्विटर हैंडल, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है और जिस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके हैकर इस वक्त ट्वीट कर रहा है, बहुत बड़ी परेशानी का सबक। बिल्कुल अंजना, देखिए कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है कि इससे प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की का क्या, इससे जो तमाम लोगों की डिजिटल अकाउंट है, कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है वो क्या, ये सिर्फ राहुल गांधी की सेफ्टी की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट की सेफ्टी की बात नहीं है, बल्कि ये 125 करोड़ जनता की सेफ्टी की बात है जिस तरह से हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो कांग्रेस इस मुद्दे को सियासी बनाने के पूरे मोड में लग रही है। अभी हमारी रणदीप सुरजेवाला जो मीडिया प्रेस चेयरपर्सन है उनसे बात की तो रणदीप ने कहा कि उन्होंने दोबारा, देखिए राहुल गांधी का भी अकाउंट हैक कर दिया गया है, ये तो ये तीसरी बार हो रहा है 12 घंटे में जब राहुल गांधी का अकाउंट हैक हो गया है। तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए ये कोई इनसाइडर जॉब नहीं है अंजना, और साफ तौर पर उसका इशारा जो है फासिस्ट आइडियोलॉजी पे है, उस विचारधारा पे है जो कांग्रेस से मेल नहीं खाती। बिल्कुल, अब ये राहुल गांधी का भी अकाउंट हैक हो गया है जिस तरह की जानकारी हमें मौसमी दे रही है। तो ये देखिए एक बार फिर से राहुल गांधी का, कुल मिलाकर अब सवाल यही है कि साइबर क्राइम को लेकर, उसको हैंडल करने को लेकर जिस तरह की अव्यवस्था है या फिर एक अच्छी व्यवस्था नहीं है वो बार बार सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी अब इसे सियासी बनाने के मूड में दिख रही है। हम लेकिन आपको लिए चलेंगे देश के कोने कोने में, हमारे साथ सतीन चौहान हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ेंगे। सैलरी की पहली तारीख, लोग कतार में खड़े, कैश मिलेगा नहीं मिलेगा।